भाई ये पूरी तरह से आप सुन करके शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि भाई सीएम पंक फाइनली बनने वाले हैं WWE के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि कमाल की वीडियो होने वाली है। तो भाई बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया 40 के लिए पूरी तरह से लॉक हो चुका है। एंड भाई इसके ऊपर फाइनली एक बहुत ही बड़ा अपडेट एंड रूमर निकल के सामने आ चुका है कि 2024 का जो रॉयल रंबल होने वाला है भाई, उसे कोई और नहीं सीएम पंक ही जीतने वाले हैं। एंड देन भाई फाइनली सीएम पंक मेंस रॉयल रंबल 2024 को जीत करके चैलेंज करेंगे द मसाया द फ्रीकेन द सेथ फ्रीकेन रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फॉर द मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया 40। एंड देन भाई आपको फाइनली सीएम पंक वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड मसाया का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 में, जो कि फर्स्ट नाइट को मे बी मेन इवेंट कर सकता है। तो भाई सीएम पंक के लिए एक फिर से आवाज उठी है, और किसी और की नहीं भाई द मेन इवेंट जे उसो की उठी है। एंड भाई जे उसो ने का कहना है कि सेथ रॉलिंस को हराएगा सीएम पंक, एंड सीएम पंक एक बहुत ही लंबा टाइटल रन WWE में रन करने वाला है, जो कि मे बी द ट्राइबल चीफ रोमन रेन से भी ग्रेट हो। सीएम पंक के बारे में जे उसो कहते हैं कि सीएम पंक अभी कोई भी उसके डेज खत्म नहीं हुए हैं, सीएम पंक अभी रेसल करेगा और WWE में सीएम पंक के ऐसे चैंपियन का होना जरूरी है। एंड देन भाई सीएम पंक WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अगर रेज करता है तो उसके प्रेस्टीजियस को और बढ़ाएंगे सीएम पंक। तो भाई जे उसो का ये सारी चीज़ें कहना है। एंड देन भाई उसके जस्ट बाद एक अपडेट निकल के सामने आता है सीएम पंक का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बन को लेकर के, कि सीएम पंक रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस को हराएंगे एंड चैंपियन बनेंगे। तो आई होप आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।